अंकल बस जलाओ अनार, जलाओ अनार। बस अंकल आ जाओ। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Happy Dussehra आप सब लोगों को and by the way well so what's up guys YPM Vlogs back here और अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून और वहाँ पे हम करने वाले हैं अपना दशहरा celebrate तो कभी इससे पहले आपने करा celebrate दशहरा नहीं भाई तो वहाँ मेरे को मिलेंगे साहिल भाई तो अंकल जी आपने तो देखा था लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा मजा आता साहिल भाई के साथ मजा आया था बहुत अभी मैं आया था हरिद्वार यहाँ पे मैंने कहा था सेलिब्रेट अपनी बहन का बर्थडे जो कि है मिष्टी उसका आज बर्थडे भी था तो मैंने सोचा कि भाई मैं जा ही रहा हूँ जरा तुम तो हरिद्वार भी चल लेते हैं मिष्टी के पास में कर देते सरप्राइज भी तो चलते हैं वहाँ पे अभी लगभग है यहाँ से 17 किलोमीटर के अराउंड तो लगेंगे एक डेढ़ घंटा तो लगेगा करते अपने ब्लॉग को स्टार्ट और भाई यहाँ से शुरू हो चुके हैं पूरा देखो माउंटेन्स वगैरह तो जब व्यू है ना वो मतलब बढ़िया आने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है भाई यहीं से बहुत अच्छा है वैसे भी अपना ये पहला रोड ट्रिप है अपनी 8 पे सुपर कंफर्टेबल गाड़ी है क्या बताऊं कैसी लगी बहुत बढ़िया भाई अंकल आपको बहुत ही बढ़िया भैया बहुत ही करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट सो लेट्स गो वेल सो व्हाट्स अप गाइस अपन व्लॉग्स बैक हियर टोल ही हमारा करिए अभी तक 500 रुपये का इसलिए अभी बीच सड़क पे रुक के हम कर रहे हैं रिचार्ज नहीं तो हमको लग जाएगा डबल टोल वैसे ही मतलब 85 रुपीज़ है ना तो क्या हो गया अंकल ओ भाई हाँ, सो रहा है नहीं तो भी क्या कर रहा था कुछ नहीं किसके ख्यालों में आजकल ग्रीन लाइट सच में यार यहाँ पे ना जब भी आता हूँ जाम जरूर मिलता है चाहे सुबह हो चाहे शाम को आओ ऐसा क्यों भाई लंका है ना लंका क्यों है क्योंकि यहाँ पे राम चलाने आया था ये सुबह से कह रहा है हम लंका जा रहे हैं हम लंका जा रहे हैं पता नहीं क्या हो रखा है इसको लंका जा रहे हैं राम लक्ष्मण लक्ष्मण कौन है मैं और पीछे और भरत वो मिलेंगे अभी हाँ और पीछे कौन हनुमान जी बैठे हैं और सीता जी वहाँ ये देखना जरा क्या क्या बोल रहा था अंकल जी ये यहाँ का फेमस है देहरादून का क्लॉक टावर और यहाँ से मेरे को भी मारना है यू टर्न फिर साहिल भाई मेरे को मिल जाएंगे तो अभी क्या सीन है कि हम आ चुके हैं लोकेशन पे जो कि हमारी हमेशा होती है परमानेंट लोकेशन और यहाँ पे आ चुके हैं सर हाँ जी सबको सबसे पहले कैमरा से कैमरा मिलवा दो ये आईफोन मेरे को थोड़ा पहचान वाला लग रहा है ये वही है जो तू लेके आया था एक बार दिखाओगे नहीं दिखा नहीं सकता और अंकल जी हाँ भाई मैंने इनको कहा था कि साहिल भैया अंकल जी नहीं आ रहे हैं मैं इनको मासी का छोड़ हो गया था मेरा हाँ बट अब ठीक है ना आप तो सही है अंकल मेरे साथ भी साथ कर आया आज कलश भाई भी है गिफ्ट भी है मैं तो रावण देख रहा हूँ कहाँ है और आपके शूज की कुछ वो मिसिंग है क्या लेस लॉक्स वगैरह वो थोड़ा सा हटा दिए अच्छा भाई ये है रावण तो अभी इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे चलाना कहाँ से तो क्या नीचे से जलेगा लेकिन सबसे पहले तो हम लोग प्री सेशन एक करने वाले हैं दशहरा पटाखे चलाएंगे पटाखे रखे हैं ये देखो यार पटाखे पड़े हैं ठीक है तो ये कहाँ पे लगाने वाले हैं इसे वहाँ लगा देते हैं ना ताकि इस पर कोई असर ना आए स्टार्टिंग अभी हो रही है स्काई शॉट से और कोई मैं नहीं चलाऊंगा पटाखे इस बार बिकॉज कुछ रीज़न है अपना स्टार्टिंग तो हो गई दशहरा बढ़िया अंकल कैसा लगा बहुत बढ़िया और भाई जितने भी हरे पटाखे हैं ना ग्रीन कलर का है ना सारे ग्रीन है भाई सारे अब तो आई वही रहे हैं लिटरली हरे पटाखे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली लेकिन सारे अब ग्रीन ही आ रहे हैं एक्चुअल में भी मार्केट में तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हो चुका है अंधेरा इसलिए हमने खड़ी करी यहाँ पे गाड़ियाँ बिकॉज ऑफ दिस रावण यस अब रावण का क्लियर व्यू आएगा एकदम देख लो इस बार भी भाई कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इसलिए हम लोगों ने सोचा एंटरटेन तो करना ही और जो रावण है वो जला नहीं रहे हैं इस बार लाइक दिल्ली एनसीआर में तो कहीं नहीं जल रहा यहाँ पे जलेगा एक आध जगह अगर हुआ तो दिल्ली एनसीआर में तो भाई टोटली बैन है यहाँ शायद जल जाए अच्छा तो इसलिए आप सब लोगों के लिए मैंने सोचा कि भाई जो रावण है वो जलाया जाए और आप सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज यार दिल्ली से पहले मैं गया था हरिद्वार फिर वहाँ से मैं आया देहरादून भाई से मिला मैं अपने घर से यहाँ तक आया आपने अनार को फूकना है अनार अपने आप सारा काम कर देगा तो अंकल जी जला रहे हैं बिकॉज साहिल भी अपनी वीडियो बना रहे हैं एकदम ही चिंगारी निकलेगी आने वाली आपको अंकल जलाना है पेपर अंकल बस जलाओ अनार जलाओ अनार बस अंकल आ जाओ तो ये अपना रावण जल गया रॉकेट भी लगाया था ना, फिर की
अब यहाँ पे बारी है स्काई शॉट की। 12 है ये? यस। तो भी हम आए थे कुछ देखने के लिए गाड़ी, और शोरूम जब हो चुका है बंद, और यहाँ पे आके पता लगा है जो गाड़ी है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। ये यहाँ पे खड़ी थी वैसे लैम्बोर्गिनी गायारो, बट ये वाली जो गाड़ी है हम नहीं देख रहे वाली गाड़ी अब, बिकॉज इट हैज सम प्रॉब्लम्स। अब वो छोड़ो। और भैया ऊपर से हमको बुला भी लिया यहाँ पे, और ऊपर से लेट हो गया थोड़ा सा। और भाई वो क्यों है, इतना जाम है यहाँ पे, और अभी हम सीधा यहाँ पे गाड़ी देखने के लिए आए थे, और इन्होंने यहाँ पे गाड़ी चला करके एग्जैक्टली नहीं मुझे कह रहे हैं कॉल पे, सर आपको हमको लगा आ नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं नवल, लेकिन मेरे को कुछ पता लगा गाड़ी के बारे में जो यहाँ पे गायारो खड़ी है, तो मैंने सोचा भाई छोड़ ही दो इसको, बिकॉज इट हैज सम प्रॉब्लम्स इन इट। बाकी भाई ये जो लग्जरी गाड़ी दे रहा तूने भाई, बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस, बिल्कुल बैड। हमको बुला लिया, हम इतनी दूर से आए हैं भाई, तो जाम में इतना फंस गए थे। अभी कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ खाने के लिए आए हैं, अभी से स्टार्टिंग है ना बट मेरा तो एंडिंग भी यही हो जाएगी, तू देख ले भाई। सुबह से पहला मिलेगा देखा जाए तो एग्जैक्टली बहुत तेज भूख लगी है, दाल है, और अंकल जी अपना रिलैक्स कर रहे हैं आराम से, और ये हमारा फिर रहता है। हाँ ये है पंजाब रेस्टोरेंट यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे उनको खाना था बटर चिकन, बट वो मिल नहीं पाया, तो अभी नवरात्रे पनीर मंगवा लिया, एक वेज जब पूरा। अभी गाड़ी में जो डीजल है वो थोड़ा सा कम पड़ गया है, 280 किलोमीटर दिखा रहा है, और जो घर है यहाँ से वो 300 किलोमीटर के अराउंड है। तो भाई मतलब गाड़ी में मैंने डबाया था ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का डीजल, और दिक्कत क्या आई है कि गाड़ी फिर भी अंकल कितनी, इसने बहुत कम माइलेज दिया ना, बहुत कम भी, तो अगर वो होती ना हमारी इको स्पोर्ट तो कितनी चल जाती। अरे भैया उसकी तो बात ही मत करो, 2-3 चक्कर लगते। अभी मैं आया हूँ अपने एक स्पॉट पे, नाम क्या है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने के लिए लिया है, थोड़ा बहुत क्या क्या लिया बताऊँ, फूड चैलेंज कुछ नहीं है भाई, मेरा अभी खाने के लिए है भाई, मैं सिर्फ 3 पीस रोटी खाई है, 3 पीस नान, मतलब एक ही नान खाया है। हाँ यार यहाँ पे ना देखिए ये बातें कर रहे हैं हॉन्टेड वाली, बिकॉज ये जंगल चल रहा है पूरा, और मेरे को डरा रहे हैं, मैं पीछे आ गया था अपना आराम से, इनको मैंने बोला कि आप जरा अंकल गाड़ी चला लो, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि एक ना मैंने गाड़ी कम से कम चलाई 400 किलोमीटर आज, थक गया हूँ मैं। खाना खाने के बाद मेरे को चाहिए थी एक मस्त सी कॉफी, जो कि मैंने पी ली है, जिससे मेरी जो मेरी पूरी नींद वो भाग गई है। तो अंकल जब मैं देनी हो ना गाड़ी, मेरे को दे देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हो जाना आराम से, बिकॉज मेरे को अंकल कह रहे हैं कि हम घर पहुँचेंगे 3 बजे तक, तो मैं उसके बाद ही सुबह 4:30 के अराउंड घर जाऊँगा। क्यों अंकल जी? हाँ भाई। ऐसा क्यों? अरे भैया वो दाबेड़ी का एरिया बड़ा थोड़ा नहीं, मतलब कुत्तों की वजह से। एंड हेयर फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, 605 किलोमीटर चली है हमारी पूरी गाड़ी, और ये पूरी रीडिंग आई है 14 घंटे 40 मिनट में, 605 किलोमीटर 41 किलोमीटर हमारी रही एवरेज स्पीड, और 100 किलोमीटर के लिए इसने यूज करा 10.6 लीटर्स ऑफ डीजल। मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा ऊपर, और खत्म करते हैं आज के फ्लॉग को यहीं पे। अगर आप चैनल पे नए हो जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब का बटन, साथ में होगा घंटा, जल्दी से घंटे को टिंग करो, मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे फॉर फर्दर अपडेट्स एंड ऑल। खत्म करता हूँ आज के फ्लॉग को यहीं पे, विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।